अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एनी अदर व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं डेरे पे, दोस्त के डेरे पे। तो उधर उन्होंने शलजम वगैरह उगाई हुई है, अमरूद वगैरह लगे हुए हैं। तो उन्होंने ना एक छोटा सा ना फार्म टाइप बनाया हुआ जिधर मछली उन्होंने छोड़ी हुई है। तो आपको दिखाते हैं, तो उनका शिकार भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी आपको दिखाते हैं, शलजम वगैरह लगे हुए हैं, बाकी अमरूद वगैरह लगे हुए हैं वो भी उतारेंगे, शलजम वगैरह भी उतार के दिखाते हैं आपको। ये देखे, ये घर की खेती है, खुद ही लगाते हैं इधर ही, तो बीजते हैं तो इन्हें उतारा हुआ है अभी। ये सारी मतलब ये पूरी जमीन में ना शलजम लगा हुआ है, ये सारी जमीन में। अभी आपको इसका टेस्ट करवाते हैं कैसा है। बाकी मीठे ही होते हैं तकरीबन, ये जोन से उगाते हैं ना इधर, वो मीठे ही होते हैं। सही बात है, कोई होते हैं फीके, तो ये मीठा है इसमें ना, मतलब ये सारे लगे हुए हैं तकरीबन मीठे होंगे, क्योंकि इन्हें इधर ट्यूबवेल उन्होंने लगाया हुआ है, ट्यूबवेल का सारा पानी इधर देते हैं। तो बाकी ये अमरूद वगैरह लगे हुए हैं, तो अमरूद का काफ़ी इन्होंने बाग थोड़ा ना बनाया हुआ है छोटा सा, तो ये अमरूद वगैरह लगे हुए हैं। तो उतारते हैं आपको भी, इनका भी टेस्ट बताते हैं कैसा है। बाकी ये तीन चार दरख्त इधर लगे हुए हैं, तो इनका अलग अलग टेस्ट होगा, तो पूछा उनसे, कहते हैं अलग अलग टेस्ट आएंगे। बाकी अभी टेस्ट करके देखते हैं तो किस किस का अलग अलग टेस्ट है। इसका भी टेस्ट ठीक ही है तकरीबन। ये काफ़ी मीठा मीठा टाइप है, मतलब इसका टेस्ट बेहतर है इससे। इसका टेस्ट है ना जोनजा, इन दोनों से अलग है, मतलब इसका ज़्यादा टेस्ट, ये इस दरख्त के ना अमरूद का जो ज़्यादा टेस्टी है। बाकी इधर बाकी शलजम के साथ ना उन्होंने ना मूलियाँ भी काश की हुई हैं, तो वो भी निकालते हैं, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, ये अभी जो ज़्यादातर सलाद में यूज़ होते हैं, शलजम वगैरह भी और मूली वगैरह भी सलाद में ही यूज़ होते हैं, तो ये इधर हम काश करते हैं। बाकी आपको दिखाते हैं, उन्होंने फार्म बनाया हुआ है, तो कुंडियाँ वगैरह लेने गए थे जिनके साथ मच्छी का शिकार करते हैं, फिश का, तो वो मिली कोई नहीं। आपको दिखाते हैं, तो चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि मे भी कुछ दाना वगैरह मिल जाए। ये देखिए उन्होंने ना कितना बड़ा मतलब ना फार्म टाइप बनाया हुआ है इधर, इन्होंने 2000-2500 तकरीबन ना बच्चे ले कर छोड़े थे, अभी तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, दाने हो गया तकरीबन किलो किलो, डेढ़ डेढ़ किलो के दाने हो चुके हैं। बाकी आधी उन्होंने निकाल लिया जाल लगा के, बाकी आज काफ़ी मौसम भी ख़राब हुआ है, तो फोग आस्ता आस्ता ना बढ़ रही है, तो इस वजह से हम अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि ठंड बड़ी ज़्यादा है। तो बाकी अभी देखते हैं, इधर एक दो पड़ी हुई थी गुंडी, तो उसे ढूंढते हैं, तो फिर उसका फिश का शिकार करते हैं। कि वो ना काफ़ी दूर दूर है, तो ठंड है, तो पानी बड़ा ठंडा है, तो हम जा नहीं सकते। उन्होंने बोला जाल वगैरह लगा लो, तो ठंड बड़ी काफ़ी है, तो जब मतलब गर्मी थोड़ी होगी, सूरज वगैरह निकलेगा,
तब इंशाल्लाह आप कुछ कार दिखाएंगे। तो बाकी इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, तो एक दो बच्चा इधर भी आया हुआ, पकड़ के दिखाते हैं आपको। ये चक्कर, ये उन्होंने ना छोटा सा बच्चा था बीच में, तो ये अभी बाहर निकाला, अभी इसे दोबारा छोड़ देते हैं बीच में वापिस। जिंदा वो देखें, वो निकल गया उधर से, चला गया। तो बाकी वो सारी दूसरी जो उनसे बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो उधर ना सेंटर में होंगी तकरीबन, साइड साइड से ना इधर। ये देखिए पाँव वगैरह लगे हुए हैं, तो ये ऐसे पकड़ते हैं, जाल वगैरह लगा के ना तो पकड़ते हैं। तो ऐसे कुंडी वगैरह हमें मिली नहीं, नहीं तो हमने कुंडी वगैरह लगा के इधर बैठ जाना था थोड़ी देर। तो एक हाथ पकड़ के जानी थी, पर इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाएंगे जब उन्होंने जाल लगाना हुआ, तो धूप आई थोड़ी सी, तो फिर आपको दिखाएंगे मछलियों का शिकार कैसे करते हैं।